फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बचे हुए गुथे हुए आटे से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो गैस पर हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम तेल डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, जीरा को लाल कर लेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन मिर्ची अदरक डालेंगे, भून लेंगे, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज शिमला मिर्च डालेंगे और शिमला मिर्च और प्याज को जो है सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। अब इसमें हम टमाटर की प्यूरी डालेंगे, इसमें हम काली मिर्च पाउडर, गर्म मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला डालेंगे, टोमेटो केचप हम डालेंगे, मिला लेंगे तो हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। आटे की हम 2 लोई लेंगे, इसको हम रोटी की तरह हम बना लेंगे। इसको हम पतले पतले छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे, एक टुकड़े को लेंगे इस तरह से 20 से हम पिंच कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे पास्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें हम 1.5 गिलास पानी, रिफाइंड और नमक डालेंगे, पानी को उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद इसमें हम सारे पास्ते को डाल देंगे। हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे। हम इसमें जो है सोया सॉस, चिली सॉस डाल देंगे, मिला लेंगे। इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। ढककर लो फ्लेम पर हम 2 मिनट तक हम पका लेंगे। इसमें हम विनेगर हम डाल देंगे, मिला लेंगे। इसमें सारे पास्ते को हम डाल देंगे, मिला लेंगे। ढककर हम 2 मिनट तक हम पका लेंगे लो फ्लेम पर। ये देखिए हमारा पास्ता बन करके तैयार है।